गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स में अपने चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं आवेश क्या है, करंट क्या है, विभव क्या है, कूलॉम्स का नियम, किरचॉफ्स का नियम और ओम्स का नियम। ठीक, आज हम पढ़ते हैं परावैद्युतांक। कि परावैद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या है? कि जो हम इलेक्ट्रिसिटी नाप रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी हम माध्यम के अंदर नाप रहे हैं या निर्वात के अंदर नाप रहे हैं? ठीक है, विद्युत को हम किस में नाप रहे हैं, निर्वात में या माध्यम में? अगर हम निर्वात में नापें निर्वात में विद्युत को मापते हैं, तो उसे कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट। निर्वात की विद्युतशीलता को हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट से, जिसका मान होता है अपना नौ गुणा दस की घात नौ, मतलब 1/4πε0 = 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये किसका मान होता है 1/4πε0 का। यहां से हम एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं, ठीक, अगर हम डिवाइड करें, ठीक, एक को 1/4π × 9×10⁻⁹ से, तो अपना मान आएगा 8×8.5×10⁻²⁻¹² कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका मान है, यह है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका मान होता है 8.85×10⁻²⁻¹². ठीक है, ये किसका मान है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर हम माध्यम की बात करें, तो माध्यम के लिए हम लेते हैं एप्सिलॉन, माध्यम के लिए लेंगे एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं हम माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, अगर हम दोनों का अनुपात निकालें, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, अगर इनका अनुपात निकालें, तो उसको कहेंगे आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या हो गई, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है
आपेक्षिक विद्युतशीलता, मतलब अगर हम निर्वात में विद्युत को नाप रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको लिखते हैं हम एप्सिलॉन नॉट से, जिसका मान होता है 8.85 10^-12। अगर हम माध्यम में नाप रहे हैं तो उसका मान होता है एप्सिलॉन, ठीक, माध्यम के लिए। और आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की विद्युतशीलता, जिसको हम लिखेंगे एप्सिलॉन आर से। ये एक विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। आपेक्षिक विद्युतशीलता विमाहीन और मात्रकहीन राशि होती है, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, ठीक है। हमने कूलाम का नियम पढ़ा, कि एक कण के द्वारा दूसरे कण पर लगने वाला बल, एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2, बीच की दूरी R। तो कूलाम के नियम ने क्या कहा कि एक कण अगर दूसरे कण पर बल लगा रहा है तो हम उनके बीच में लगने वाले बल को कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, F बराबर या F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R2। लेकिन अगर कण बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कण किसी एक कण पर बल लगा रहे हैं, जब बहुत सारे कण हैं तो जैसे कण एक पर इतने सारे कण 2 3 4 5 6 7 ये सभी कण बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो कण एक पर कितना बल लगेगा, इसको हम कूलाम के नियम से नहीं निकाल सकते, क्योंकि कूलाम का नियम दो कणों के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ दो कणों के बीच का हम बल निकाल सकते हैं। जब बहुत सारे कण किसी एक कण पर बल लगाते हैं तो इसकी व्याख्या हम कूलाम के नियम से नहीं कर सकते, ठीक है, इसकी व्याख्या करेंगे हम अध्यारोपण सिद्धांत से, ठीक है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है कि किसी कण पर लगने वाला बल, ठीक है, किसी कण पर लगने वाला बल अन्य कणों के द्वारा लगने वाला बल उन सभी कणों के बलों के तुल्य होता है, मतलब F1 पर 2 वाला कण कितना बल लगा रहा है, 3 वाला कितना लगा रहा है, 4 वाला कितना लगा रहा है, 5 वाला कितना लगा, तो उन सभी बलों के तुल्य होगा, ठीक है, योग के बराबर होगा, जिसको बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार दो या दो से अधिक बिंदुवत आवेशित कणों के कारण किसी अन्य बिंदुवत आवेशित कण पर लगने वाला परिणामी विद्युत बल इन आवेशित कणों के कारण
पृथक पृथक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक लगने वाले कुलाम बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। दो वाले कण ने एक पर कितना बल लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना, इसने कितना, तो वन पर लगने वाला बल किसके बराबर हो गया? तो F पर लगने वाला बल एक पर दो के द्वारा एक पर लगाया गया बल, तीन के द्वारा एक पर लगाया बल, चार के द्वारा एक पर लगाया गया बल, इस तरह से सभी को हम टोटल कर लेते हैं, वो किसके बराबर है? टोटल बल के बराबर। इसको बोलते हैं हम अध्यारोपण का सिद्धांत। दोनों टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत और आपेक्षिक वैद्युतशीलता। ठीक है, ये दो टॉपिक कवर करें आज। थैंक यू।